और स्पार्क ने एक मॉब फार्म बनाया था जिसके अंदर बहुत सारे मॉब्स, एक भी मॉब स्पॉन नहीं होता। सबसे पहले मैंने काफी सारी सैपलिंग्स फार्म की और उसके बाद थोड़ी बहुत वुड इकट्ठा करके टूल्स बनाए। लास्ट एपिसोड में हमने एक ज़ॉम्बी विलेजर भी कैप्चर किया था, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ पर है। डे टू पर हमने खेत बनाकर काफी सारी कैरेट फार्म की और पूरा दिन इसी काम में खत्म हो गया। हमारे मॉब फार्म के अंदर काफी सारे ग्लो स्किट स्पॉन हो रहे थे और उसमें मुश्किल से ही कोई ढंग का मॉब स्पॉन हो रहा था, तो मैं गया फार्म के ऊपर। लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि मैंने फार्म को आधा ही बनाया था और वो ऊपर से आधा खुला हुआ था, जिसकी वजह से उसमें मॉब स्पॉन नहीं हो रहे थे। लेकिन उससे पहले मैंने फार्म के अंदर डर्ट को वुड से रिप्लेस किया और फिर मैंने फार्म को पूरा बंद किया और हमारी ग्लो स्किट की प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुई। उसके अंदर अभी भी ग्लो स्क्विड स्पॉन हो रहे थे, लेकिन फिर भी फार्म पहले से काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद मैं फिर से फार्म के ऊपर गया और मैंने साइड वाले ब्लॉक्स को भी वुड से रिप्लेस कर दिया, तो फाइनली हमारी स्क्विड की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। अभी भी उसके अंदर काफी सारे स्क्विड स्पॉन हो रहे थे, लेकिन बचे हुए दिन मैंने सिर्फ एएफके किया। प्रोग्रेस करने के लिए हमें विलेजर चाहिए थे। लास्ट एपिसोड में हमारे पास एक विलेजर था भी, लेकिन वो बेचारा मर गया, तो अब हमारे पास एक भी विलेजर नहीं है। हमारे पास पहले से गोल्डन एप्पल था, लेकिन दूसरे विलेजर को क्योर करने के लिए हमें एक और गोल्डन एप्पल चाहिए था, जिसका मतलब था कि हमें फिर से थंडरस्टॉर्म का वेट करना पड़ेगा। और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो अगले काफी दिनों तक मैं सिर्फ वुड इकट्ठा करता रहा। अगले दिन मैंने सबसे पहले फार्मिंग की। मॉब फार्म के अंदर मॉब स्पॉन तो हो रहे थे, लेकिन वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा कि इसका रीजन पुराने वाला मॉब फार्म होगा, क्योंकि वहां पर अभी भी बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे। तो मैंने उसके ऊपर जाकर बहुत सारे ब्लॉक्स रिमूव कर दिए ताकि वहाँ पर मॉब स्पॉन ना हो। नेक्स्ट डे वहाँ पर मॉब स्पॉन होना बंद हो गए। इसके साथ ही मैंने उस एरिया को थोड़ा रिपेयर भी किया। फिर मैंने अपने नए वाले मॉब फार्म के ऊपर जाकर एएफके किया और अब वो पहले से काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था। थोड़ी देर बाद एक विश स्पॉन हुई, तो मैंने उसे बोट में कैप्चर कर दिया। हमारे पास गोल्डन एप्पल भी पड़ा हुआ था, तो अब हमें इंतजार था सिर्फ एक ज़ॉम्बी विलेजर का। इसके साथ ही एफके करते हुए काफी सारी चमत्कारी चीजें भी हुई, लेकिन लकीली मैं जिंदा बच गया। नेक्स्ट डे मैंने सिर्फ मॉब्स को मारा और इसके साथ ही मैंने मॉब फार्म के नीचे वाला हिस्सा वुड से रिप्लेस कर दिया, ताकि अगर कोई क्रीपर फटे भी तो मैं जिंदा बच जाऊं। और उसके बाद हमें फिर से दर्शन दिए ट्रेडर भाई ने, जो कि इस बार सैंड बेच रहे थे, तो मैंने उससे काफी सारी सैंड खरीद ली, जिसका हम पता नहीं क्या करेंगे। उसके बाद मैंने वापस से काम कंटिन्यू किया और तभी थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई और फाइनली थंडर्स नहीं आया, वो सिर्फ नॉर्मल बारिश थी। लेकिन हमारे पास काफी कम सुअर थे, तो मैंने उन्हें ब्रीड कर दिया। नेक्स्ट डे मैंने पूरा दिन वुड काटी और उसके बाद फार्म में एक विच स्पॉन हुई थी, तो हम उसे कैप्चर करने लगे। मतलब स्पार्क उसे कैप्चर कर रहा था, मैं तो सिर्फ देख रहा था। लेकिन हमारे पास पहले से एक विच थी भी, तो पता नहीं हम दूसरे विच क्यों कैप्चर कर रहे थे। नेक्स्ट डे मैंने सबसे पहले सुअरों को ब्रीड करवाया और उसके बाद काफी देर तक ज़ॉम्बी विलेजर के लिए एएफके किया, क्योंकि हमारा पुराना विलेजर शहीद हो गया था। और थोड़ी देर बाद लकीली एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ, लेकिन ये खुशी थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि बॉट फ्लेम मॉब फार्म के कुछ ज्यादा ही नजदीक चला गया और क्रीपर भाई फट गए और हमारा ज़ॉम्बी विलेजर शहीद हो गया। नेक्स्ट डे मैंने सिर्फ एएफके किया।